ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल में फंसे लोगों को निकालने की मुहिम जारी। थोड़ी ही देर में आज 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर आ रहा है भारतीय वायुसेना का विमान, हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा विमान। अफगानिस्तान के हालात पर आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को देंगे जानकारी, पीएम मोदी ने दिए हैं निर्देश। तालिबान ने 80 अफगानी नागरिकों को हिंदुस्तान आने से रोका, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी देश नहीं आने दिया। काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबानियों ने नाकेबंदी बढ़ाई, भारी भीड़ की वजह से अमेरिकी सैनिक गेट भी बहुत कम खोल रहे हैं। तालिबानी लड़ाके अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं, पिछले 10 दिनों में 25 लोगों की जान जा चुकी। दिल्ली में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों का प्रदर्शन, रिफ्यूजी का दर्जा मिलने के कारण जरूरी सुविधाएं ना मिलने की वजह से परेशान है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से रेस्क्यू की समय सीमा पर कायम है। अमेरिका ने 24 घंटे में 19,000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 82,300 लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का मिशन काबुल को लेकर दावा, कहा निश्चित समय सीमा नहीं बता सकता लेकिन सैनिकों को निकालने का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। जर्मनी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने पर मान गया है तालिबान। दुनिया भर में तालिबान को मान्यता देने के असमंजस के बीच जर्मनी से बड़ी खबर, जर्मनी भी तालिबान से बातचीत के पक्ष में। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान से बातचीत जारी रखनी चाहिए। तालिबान के कब्जे पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अशांति की वजह बने। हक्कानी नेटवर्क के मौलवी मोहम्मद मुस्लिम हक्कानी और पंजशीर के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई, हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबान के संस्थापक नेता अब्दुल सलाम जईफ ने बीपी न्यूज से खास बातचीत में भारत को भरोसा दिया, कहा सभी भारतीय अफगानिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, विकास परियोजनाओं पर काम करने का न्यौता दिया, भारत से जल्द औपचारिक बातचीत की उम्मीद जताई। तालिबानी नेता ने एबीपी न्यूज से साफ कहा पाकिस्तान समेत किसी भी देश की कठपुतली नहीं बनेगी नई तालिबानी सरकार, अफगान किसी दूसरे देश की सत्ता कबूल नहीं करेगा, अफगानिस्तान अब दूसरे देशों की आपसी खींचतान का मैदान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लाने वालों में कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित होने की बात का खंडन किया है। एबीपी ने उससे कहा पूरी तरह से पुष्टि कर ली गई है कि इस जत्थे में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है।